जहीराबाद कोल्ड के हालात, 5 तारीख है 21/9/2024। नमस्कार मेरे प्यारे किसान साथियों, स्वागत है आपका आपके ही अपने किसान हितैषी यूट्यूब चैनल सादाबाद केसरी पर, जहां है हर खबर पत्थर की लकीर, वो भी डंके की चोट पर लठ गाड़ कर, जिसे न कल किसी का बाप मिटा पाया था, न आज मिटा पाया, न कभी भविष्य में मिटाया पाएगा, क्योंकि किसी की माँ ने इतना दूध नहीं पिला दिया जो सोनू चौधरी की रिपोर्ट को, सोनू चौधरी की बात को काट के या झुटला के दिखा दे। क्योंकि किसान साथियों, हम बात करते हैं आपके मान सम्मान स्वाभिमान, आपके आन बान शान के लिए, जिससे आप लोग जो साल भर आलू के उत्पादन में, जो खेती में जो मेहनत करते हैं, उसका पूरा 100% फायदा हम आप लोगों को दिलवाने के लिए शुरुआत से ही प्रयास रहे हैं, और आगामी दिनों में भी आप जो हैं अपने साथ देखिएगा, क्योंकि कई यूट्यूबर आप लोगों का साथ छोड़कर आपका मनोबल तोड़ने का काम करते हैं, वहीं आप लोगों के लिए सोनू चौधरी मनोबल बढ़ाने का काम करता है। किसान साथियों, आज की वीडियो उन सभी लोगों के मुंह पर यह करारा तमाचा पड़ने वाला है, जो आप लोगों का आलू सस्ते दरों पर खरीदने का फिराक, या आप लोगों के अंदर घबराहट पैदा करके सस्ती दरों पर आलू खरीदने की चाल रच रहे हैं। किसान साथियों, इस समय पर देश ही नहीं वरन विदेशों में भी आलू की शॉर्टेज साफ दिखाई दे रही है, जिसके चलते बांग्लादेश तो पहले से ही आलू के लिए कटोरा लेकर भीख मांग रहा है और उसे भीख दी जा रही है। इधर किसान साथियों, रूस से भी एक जो है MOU साइन हुआ है, जो कभी भी आलू जो है रूस के लिए निर्यात किया जा सकता है, क्योंकि अभी जो है जो गोपनीय सूत्रों से जो हमें सूचना प्राप्त हो रही है, उसके अनुसार आगामी 3 से 4 दिन में ये जो है स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कितनी क्वांटिटी में आलू जो है रूस के लिए जाएगा। इधर किसान साथियों, लाल आलू की मांग जो है दिन प्रतिदिन जो है नेपाल में बढ़ रही है, क्योंकि चाइना से वहां पर आलू आना बंद हो गया है। ऐसे में लाल आलू, चाहे वो लॉकर हो, हॉलैंड हो, आपका सिंदूरी हो जिसे राजेंद्र वन बोलते हैं, C1 हो, या G4 जिसे श्रीनाथ बोलते हैं, वो एक एक डिमांड बढ़ने से इधर जो है नेपाल के लिए लोडिंग भी व्यापारियों ने शुरू कर दी है, और नेपाल ने भी आलू आयात के लिए एक जो है शुल्क मुक्त जो है व्यवस्था कर दी है, जिससे गोरखपुर से लेकर कन्नौज, फर्रुखाबाद, बाराबंकी, इधर जो है आप लोगों के हमीरपुर, इन सभी जगहों पर जहां पर आलू होता है, किसान साथियों पौ बारह हो गई है। इधर कई किसान कहते थे कि हमारे आलू के रेट नहीं बढ़ रहे, निश्चित तौर पर अब लाल आलू के रेटों में 300 रुपए से लेकर 400 रुपए प्रति कट्टा का इजाफा जो है आने वाले 4-5 दिन में आप लोगों को दिखाई भी देने लग जाएगा। और मेरा प्रयास यही है कि कोई भी किसान निराश ना हो, उन्हें अच्छे से अच्छे भाव जो है प्राप्त हो जाए। किसान साथियों, अक्सर हम जो है एक गलतियां कर जाते हैं कि जो है हम एक बार तो इस बात के लिए किसी का धन्यवाद भी नहीं देते हैं कि जो हमारे लिए मेहनत करता है, उल्टा जब रेट थोड़े कम हो जाए तो रोना रोने लग जाते हैं, लेकिन रेट फिर दोबारा वापस आ जाए तो फिर उसे जो साथ में खड़ा होता है उसे ज्ञान देने लग जाते हैं। तो ऐसे में सबसे पहले आप लोग जो है जिसके जो आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा है उसका धन्यवाद भी देना ठीक है। किसान साथियों, इधर जो है बांग्लादेश आलू निर्यात जो भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया है, उससे बंगाल में आलू की कीमतों में आश्चर्यजनक रूप से 200 रुपए प्रति कट्टा की जो है बढ़ोतरी आज जो है दर्ज की गई है, जिसके चलते व्यवसायियों से लेकर कोल्ड मालिक और किसानों को एक उम्मीद जो है तेजी की जग गई है। आज की अगर हम बात करें तो मेजर हब जहां पर आलू का उत्पादन ज्यादा होता है, जैसे आपका उत्तरी बंगाल के सभी कूच बिहार है, आलमपुर है, जलपाईगुड़ी है, सिलीगुड़ी है, आपका मेदिनीपुर ईस्ट है, मेदिनीपुर वेस्ट है, वर्धमान है, पुरुलिया है, मेमारी है, तरकेश्वर है, हावड़ा है, सीके रोड है, तमाम ऐसी जगहों पर जहां पर पंजाब आपका बंगाल में आलू लगाया जाता है, सभी जगहों पर आज जो है ज्योति में गड्ढ में भी तेजी देखी गई है, जबकि फुल डाले में फुल तेजी देखी गई है। ऐसे में इस बात से अब बंगाल के किसान साथी भी, व्यवसायी साथी भी, कोल्ड मालिक साथी भी इनकार नहीं कर सकते हैं कि सोनू चौधरी ने बंगाल के बारे में 1600-1700 रुपए प्रति कट्टा पहुंचने का जो वादा किया था, अब वो जो है पूरा हो जाएगा। किसान साथियों, बांग्लादेश जो आलू जा रहा है उसमें ज्यादातर जो है लाल में हॉलैंड, आगरा का 37-97, संबल का डायमंड,
ये तीन प्रजातियां अभी फिलहाल की बंगला बंगाल बांग्लादेश जा रही है। इधर किसान साथियों, अलीगढ़ से जो ईरान के लिए आलू भेजा गया था उसका सैंपल पास होने के बाद में अब लगभग पूरे उत्तर प्रदेश में, देखो मैं किसी कोल्ड का नाम नहीं लूंगा, लेकिन मैं आप लोगों को यह बता दूं कि अब उत्तर प्रदेश के वेस्ट क्षेत्र यानी पश्चिमी क्षेत्र के एफपीओ के माध्यम से चिकसोना वही 250-300 ग्राम का ओवर साइज का वो जो है एक लार्ज क्वांटिटी में जाएगा। यानी कि जो हमें जो पत्र प्राप्त हुआ है किसान साथियों उसके अनुसार अगर हम देखें 9732 क्विंटल एक बहुत लार्ज क्वांटिटी होती है ये आलू जो है ईरान के लिए निर्यात किया जाएगा। तो ऐसे में जो शुगर फ्री किसान हैं उनके लिए ये सोने पे सुहागा है। इधर किसान साथियों, गुजरात से लगातार कंटिन्यू संटाना आलू विदेशों को एक्सपोर्ट किया जा रहा है जिनमें इजिप्ट प्रमुख है। अब ऐसे में गुजरात के बारे में अगर हम बात करें तो गुजरात में जो हमारे पास में जो कोल्ड मालिकों से हमारी बात हुई है उनके आंकड़ों के अनुसार 65-70% की कोल्ड स्टोरेज से आलू की निकासी हो चुकी है। अब जो उतना भी बचा है वो बीजा बचा है और थोड़ा बहुत आलू जो है उनका बचा है। तो आलू में तेजी नहीं विध्वंसक तेजी आएगी। अब किसान साथियों उत्तर प्रदेश की बात करें तो देखो कल एक पोस्ट जो है मैंने आपको वीडियो के माध्यम से बताई थी कि उसमें आगरा अलीगढ़ का जो है काफी जो है हल्ला मचाया जा रहा है, हाथों के पीछे पड़ गए, लेकिन चंदौसी और यानी रुहेलखंड इलाके के नहीं डाले जा रहे हैं। तो किसान साथियों आज आपको इसके बारे में बता दूं, आज जो मुझे जो जानकारी प्राप्त हुई है रुहेलखंड के 10 जनपदों के कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन कोल्ड मालिक और मैनेजर मुनीम, क्योंकि देखो ये यहाँ के लोग जो है सोनू चौधरी का भरपूर साथ देते हैं, जितना जूट के नहीं देते हैं उतना शुगर फ्री के देते हैं। उन्होंने जो रिपोर्ट दिया है किसान साथियों उसके अनुसार रुहेलखंड में 70% कोल्ड स्टोरेज जो है खाली हो चुके हैं। अब जितना भी आलू बचा है वो बीज का बचा है और थोड़ा बहुत राशन का बचा है। अब इसी से अंदाजा लगा दिए आलू में तेजी नहीं शुगर फ्री में बंपर तेजी आएगी। सासनी, इगलास, बुलंदशहर, आपका ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश का इलाका, ये भी 70-72% तक इसमें जो है निकासी हो चुकी है। कमोबेश किसान साथियों, मैं आप लोगों के हर वीडियो में यही कहता हूं, वीडियो में छुपे हुए सार को पहचानिए, क्योंकि अक्सर मैं ये देख रहा हूं कि कोल्ड स्टोरेज में दिन प्रतिदिन जो है आलू की शॉर्टेज दिखाई दे रही है, पैकेटों की संख्या दिन प्रतिदिन कम हो रही है और आप लोगों को बरगलाने वाले और धमकाने वाले जो कि जिनमें दलाल टाइप के कोल्ड मालिक होते हैं जो आपके आलू पर ही व्यापार करते हैं और आइए कहीं कहीं तो आपके आलू को ही बगैर आपकी मर्जी के बेच देते हैं। कुछ व्यापारी मैनेजर मुनीम भी होते हैं जो कोल्ड मालिक कोल्डों पे नहीं आते हैं तो वो जो है अपने दलाली को एकदम और परफेक्ट तरीके से बढ़ाते हुए एक मोटा कमीशन जो है व्यापारियों से लेते हैं, तो इस वजह से आपके दाम आपको नहीं मिल पाते हैं। अक्सर हम ये देखते हैं कि हम लोग हों या कोई भी हो वो सभी इस रेट को बता दें तो उसको झुटलाने के लिए लग जाते हैं, लेकिन ये नहीं बताते हैं कि हमने जो है व्यापारी से 300 रुपये कट्टे का एक मुश्त जो है दलाली वसूली है, उसे आप लोगों को नहीं बताते। आप लोगों को क्या बताते हैं, ये यूट्यूबर झूठ बोल रहे हैं। यूट्यूबर कहाँ झूठ बोल रहा है, यूट्यूबर अगर आलू निकालने की कहे तो उसे क्या मिलेगा, आलू ना निकालने की कहे तो उसे क्या मिलेगा। भाई वो तो जानकारी दे रहा है कि जिसको अच्छी लग रही है वो देखो, नहीं अच्छी लगी मत देखो, कोई किसी की पेंट थोड़ी ना पकड़ के बैठेगा भैया वीडियो देखो, लेकिन जो जानकारियां यूट्यूबर देते हैं ना वो जानकारियां ये लोग जो है किसानों तक नहीं पहुंचने देते हैं। किसान साथियों इस तरीके की जानकारियां यदि आपके पास होंगी तो निश्चित तौर पर आप अपने आलू की बिक्री को थोड़ा स्लो करेंगे और उस दिन का उस समय का प्रतीक्षा करेंगे जब आलू में और ज्यादा तेजी आएगी। लेकिन किसान साथियों शुगर फ्री भी 70% से अधिक खाली हो चुके हैं कोल्ड स्टोरेज, और जो है आपकी गुजरात में भी 65-70% कोल्ड खाली हो चुके हैं। इधर बंगाल में भी निकासी अभूतपूर्व 65% की हो चुकी है। आप देख लीजिएगा आज लगभग 22 सितंबर 2024 दिन जो है किसान साथियों रविवार का हो चुका है, आज में अभी 8 दिन है इस सितंबर को खत्म होने में, लेकिन बंगाल की रिपोर्ट मैं आपको आज ही बता देता हूँ 64-65% ही आएगी निकासी की, इसे ध्यान में रखना। और जो मैं बता रहा हूँ गुजरात की वो भी यही निकलेगी, और जो आपको ये मैं ये बता रहा हूँ उत्तर प्रदेश की किसान साथियों ये भी यही निकलेगी, क्योंकि दिल्ली के आढ़तियों ने मंगा मंगा के खेप
आलू सब जो है कोल्डों से साफ कर दिया। अब कुछ भी बचा होगा वो कोल्ड मालिकों का, मैनेजर मुनीमों का होगा, अब वो जो है आराम से बेच लेंगे। थोड़ा बहुत आप लोगों का बचा होगा, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन याद रखिए किसान साथियों, आलू में तेजी नहीं विध्वंसक तेजी आएगी। अब आप जो लोग लट गाड़ लो, सीना चौड़ा कर लो। आपके साथ सिर्फ सोनू चौधरी था। किसान साथियों, ऐसे ही स्थिति जो है इस समय पर आपके खंदौली, सादाबाद, शमशाबाद, टूंडला, सैया, इरादत नगर, फतेहाबाद, शमशाबाद, जो कि सबसे सॉलिड आलू करते हैं, क्योंकि खंदौली, सादाबाद, सैया, इरादत नगर, टूंडला, सिरसागंज, यहाँ पर जितना भी आलू होता है ना वो 37-97 होता है। एक मजबूत नस्ल जो कि आलूओं का राजा कहा जाता है। शमशाबाद, इरादत नगर और आपका फतेहाबाद, यहाँ पर जितना भी आलू होता है वो 302 आलू होता है, जिसका आप जो है पर्चियां एमएल कुशवाहा के नाम से देखते हैं, ठीक है ना। तो ये प्रजातियों का आलू जो है काफी डिमांडेबल होता है और इसके रेट इस समय पर काफी अच्छे भी चल रहे हैं और यहाँ पर जो निकासी है वो भी रिकॉर्ड तोड़ रही है। अब कोई ना बताए यार उसके पीछे का, हम डंडा लेके पड़ जाएंगे, बतावे, क्योंकि आपूर्ति ही मंडियों से स्थिति निर्धारण करती थी कोल्ड में कितने आलू बचा हुआ, क्योंकि आपने देखा होगा कि मंडियों में भरपूर दबाव रहा, एक मतलब 20 दिन तो इतना दबाव रहा कि मंडियों में जितनी भी गाड़ियां जाती थी वो जो है वहां पर खड़ी खड़ी सड़ जाती थी, किसानों से लेकर व्यापारियों को घाटा होता था। लेकिन आज स्थिति यह है जितनी भी गाड़ियां जा रही हैं वो सब जो है बैलेंस साफ हो रहा है। क्यों? क्योंकि कोल्ड स्टोरेज में वो आलू है नहीं और जहां पर आलू है वो आलू जो है लोकल की मंडियों में जा रहा है। तो आलू में तेजी नहीं विध्वंसक तेजी आएगी। अब किसान साथियों, इधर जो है बंगाल में हरी सब्जियां बर्बाद थी, झारखंड में भी यही वो हालत थी, बिहार झारखंड में ये थी, यानी कुल मिला के अगर मैं एक संक्षेप में आप लोगों को ये बता दूं, हरी सब्जियां दिसंबर से पहले आने वाली नहीं है, क्योंकि खेत अभी सूख रहे हैं, फिर दोबारा से उसमें जो है बीज रोपण किया जाएगा, फिर उससे पौध तैयार की जाएगी और पौध तैयार करने के बाद फिर पौध की रोपाई की जाएगी, तो इसमें कम से कम 1 महीने का समय लगेगा। तो यही अक्टूबर के लास्ट में जाके पौध रखी जाएंगी, तो जब अक्टूबर के लास्ट में जाके पौध रखी जाएंगी तो कम से कम 1 महीना तो चाहिए चाहिए उन्हें बढ़ोतरी करने का, और 1 महीने के 10 दिन बाद उनमें जो है फ्रूटिंग शुरू होती है, फ्लावरिंग होती है, फिर फ्रूटिंग होती है, तभी तो आपके वो होती है। तो ऐसे में जो लोग आप लोगों को डराते धमकाते हैं, ऐसे लोगों से आप बिल्कुल भी मत दबाते। अब किसान साथियों, कुछ लोग जो हैं राह से भटक गए और कुछ लोग जो हैं इन कोल्ड मालिकों की सुताई करने में लग गए, समझ रहे हो ना, मालिश कर रहे हैं, अरे कोल्ड मालिक जी कर रहे हैं। किसान साथियों, मैं आप लोगों को भली बात ही जानता हूँ, को अगले महीने जो है आलू की बुवाई भी शुरू होने वाली है, खाद की तमाम उसकी जरूरतें आप लोगों को हैं, लेकिन देखो मेरा प्रयास क्या है, मेरा प्रयास है कि आपको अच्छे से अच्छा दाम मिल जाए। मैं क्यों कह रहा हूँ 2000 रुपये प्रति कट्टा बिके आलू, भाई मैं ये चाह रहा हूँ आपको अच्छे दाम मिले आलू के, ये 2000 रुपये से कोई गंडा वंडा नहीं है कि 2000 ही बिकेगा, ऐसा आप तनिक ना समझो, ये तो सिर्फ आप लोगों का मनोबल बढ़ाने के लिए है कि भाई 2000 रुपये प्रति कट्टा से ऊपर भी आलू बिकेगा। और निश्चित तौर पर अगर परमपिता परमेश्वर ने सुन लिया अगर हमारी जो मुख्य की बात, तो ये आलू 2400 रुपये प्रति कट्टा भी बिक जाएगा, जिस तरीके से आलू की शॉर्टेज दिखाई दे रही है। लेकिन आप लोग जो हैं कुछ आलू को अपने हिसाब से भी बेचिए, दाम अच्छे लग रहे हैं तो बेचो, तुम्हें लग रहा है कि हमें 2000 रुपये प्रति कट्टा के दाम लेने हैं तो उसके लिए भी कुछ आलू बचा के रखो, ऐसा थोड़ी ना कि सबरे आलू को उठा के दल लो कि 2000 रुपये प्रति कट्टा बिकेगा, क्योंकि आलू हमेशा क्वालिटी और क्वांटिटी बेचते हैं। देखो अब किसान साथियों, इससे आप समझ लीजिए, क्योंकि अब आलू की शॉर्टेज है तो ऐसे जो हल्के फुल्के आलू है ना ये भी 200-300 रुपये चढ़ कर बोलेंगे, तो कैसा रहेगा, आपको तेजी मिल जाए। लेकिन भाई जिस तरीके से, नहीं देखो आपको आवश्यकता है तो कुछ आलू बेचिए भाई, किसी के कर्जदार मत बनिए, क्योंकि आप कोल्ड मालिकों के पहले से कर्जदार हैं, तो किसी के कर्जदार बनने से अच्छा अपने थोड़े थोड़े आलू बेचते रहें। जब हम कह रहे हैं आलू 2000 रुपये प्रति कट्टा बिकेगा तो उसके लिए भी कुछ आलू जो है अपना बचा के रखें, जिससे आपको 2000 रुपये प्रति कट्टा के दाम मिल जाए। लेकिन भैया आप पूरी तरीके से बैठे हो तो फिर लट गाड़ के बैठो, जिस तरीके से सोनू चौधरी बैठा हुआ है, तो भैया 2000 ही बेचूंगा तो फिर ठीक है, फिर तो हम भी आप लोगों के साथ में पूरा झूल लगाएंगे। अब रही बात उसकी कि भैया ये तो तुम मरवा दोगे, जी कर दोगे, बुक कर दोगे, तो फिर भैया देखो अपना आलू है हल्के आते धीरे धीरे अब निकालते रहो, कोई परेशानी बात ना, 2000 रुपये इकट्ठा हुए दाम मिल जाएंगे तुम्हें, और पूरी तरीके से बैठे हो तो फिर मैं संग आ जाऊँ। तो बस आप लोगों से यही मेरा कहना था कि इस बार जो है आलू 2000 रुपये प्रति कट्टा की आंकड़े को पार करेगा, और साथ ही पूरे देश भर में आलू की शॉर्टेज जो है स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है। इधर हरी सब्जियों की
कमी, हरी सब्जियों की मार, हरी सब्जियों की अनुपलब्धता भी आलू के रेटों में आग लगाने का एक बहुत बड़ा मतलब शुद्ध देसी घी डाल देगी, और हो सकता है तो उसमें जो है हरी सब्जियां पेट्रोल भी डाल दें तो लेकिन आग एक विध्वंसक होगी आलू में। तो निश्चित तौर पर यह तेजी की आग आप लोगों को ही मिलनी है, इसलिए किसी की बातों में मत आइएगा। अक्सर आप लोगों को कई जो आलू बेच चुके किसान हैं वो भी बरगलाते हैं, कोल्ड मालिक मैनेजर भी बरगलाते हैं, आप लोगों को बरगला नहीं है। बस इतना ध्यान रखिए कि जो आज की वीडियो में मैंने बताई है ये आपको एकदम जेन्युइन और ऑथेंटिक 100% नहीं 101% मिलेगी, और इसके प्रत्यक्ष रूप से प्रमाण आप जो है 8 से 10 दिन में देख लीजिएगा, जब आपका आलू कोल्ड स्टोरेज में 1800, 1900, 1600, 1700 इसके ऐसे बोली के माध्यम से आपके पास में वीडियो और पर्ची भी आने लग जाएंगी, जो कि आप लोगों को आलू में अच्छे से अच्छे भाव दिलाने के लिए प्रेरित करेंगी। और मैं चाहूँगा आप लोगों से अपनी उमंग, अपना उत्साह और अपने जो आपके जो सपने हैं उसको पूरा कीजिए, तोड़िए मत। तोड़ने वाले तो बहुत यूट्यूबर ने आप लोगों का हौसला तोड़ा है, कुल्ड मालिकों ने तोड़ा है, लेकिन सोनू चौधरी आप लोगों को आगे बढ़ाता रहा है और आगे निश्चित तौर पर बढ़ाता रहेगा। अरे सोनू चौधरी पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, सोनू चौधरी बस इसलिए है कि आपका आलू अच्छे रेटों बिक जाए, नहीं तो अन्य यूट्यूबर आपने देखे हैं क्या करते हैं, गुड़ खिलाते हैं और फिर जो है गुलगुले हो जाते हैं, एक तो भेड़िया दिखाने लग गया, अब क्या करोगे बताइए, आलू छोड़ के भेड़िया दिखा रहा है, तो ऐसे भी बहुत हैं।